वाराणसी में रोड शो करने गई सोनिया गांधी की तबीयत काफी बिगड़ गई है। रोड शो बीच में ही छोड़ना पड़ा, उन्हें दिल्ली लाया जा रहा था लेकिन तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण फ्लाइट रोक दी गई। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बुखार आ गया और डिहाइड्रेशन हो गया। सोनिया गांधी काशी विश्वनाथ के दर्शन भी नहीं कर पाई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सोनिया जी को हल्का बुखार था, वो बहुत तेज हो गया। थोड़ी देर उन्होंने विश्राम किया, उन्होंने सोचा कि कुछ दवा लेने से कम होगा, लेकिन जब बुखार बढ़ता ही गया। सोनिया गांधी ने अम्बेडकर प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर रोड शो की शुरुआत की। 2004 के बाद सोनिया गांधी का ये पहला वाराणसी दौरा था। बुलंदशहर गैंगरेप पर यूपी सरकार के शहरी विकास मंत्री आजम खान ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। वोट लेने के लिए मुजफ्फरनगर हो सकता है, शामली हो सकता है, कैराना हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। आजम खान के बयान पर पीड़ित परिवार ने विरोध किया। वो आजम खान जैसे व्यक्ति को विधायक बना देती जिससे वो मंत्री बन जाता है। एक गैर जिम्मेदाराना मंत्री, पता नहीं दिमाग आउट हो चुका है या पागलपन का शिकार हो चुका है। बीजेपी ने आजम खान के बयान को शर्मनाक बताया। अखिलेश यादव जी, अगर थोड़ी बहुत भी आपके अंदर नैतिकता है, थोड़ी बहुत भी अगर आपको शर्म आती है, तो इस पूरी जो घटना हुई है इसकी जांच सीबीआई को दी जानी चाहिए। सफाई देते हुए आजम खान ने कहा कि मामले की तह तक जांच होनी चाहिए। आजम खान के बयान को आगे बढ़ाते हुए अबू आजमी ने बीजेपी पर ही साजिश का आरोप लगा दिया। बीजेपी किसी तरह से उत्तर प्रदेश को चुनना जीतना चाहती है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर लोगों को परेशान करके इस तरह के वाकयात करा करके बीजेपी सत्ता में आना चाहती है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल बुलंदशहर गैंगरेप के पीड़ित परिवार से मिला। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। फिर कहता हूं श्री अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश को संभाल पालने में सक्षम नहीं है और भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण घटना की सीबीआई जांच की मांग करती है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की टीम भी पीड़ित परिवार से मिली। मामले की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दाखिल करेगी। अखिलेश यादव 4 अगस्त को परिवार से मिलेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह कल पाकिस्तान जाएंगे, जहां 4 अगस्त को वो सार्क देशों के गृह मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह आतंकी बुरहान वानी पर पाकिस्तान के रवैये और सीमा पार से बढ़ते आतंकी घुसपैठ का मुद्दा उठा सकते हैं। हाफिज सईद ने राजनाथ सिंह के पाकिस्तान दौरे का विरोध किया। आतंकियों की धमकी के बाद राजनाथ सिंह को पाकिस्तान में 3 स्तर की सुरक्षा दी जाएगी, जिसमें पाकिस्तानी सेना के कमांडो समेत 200 से ज्यादा सुरक्षा गार्ड रहेंगे। कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी अपने घर की दीवारों पर गो इंडिया गो बैक के नारे लिखते हुए दिखे। सोमवार को कश्मीर में हुर्रियत ने बंद बुलाया था। अलगाववादी हिजबुल मुजाहिदीन बुरहान वानी के मारे जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। 9 जुलाई से कश्मीर घाटी में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कल जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्री नईम अख्तर के घर आधी रात को पेट्रोल बम से हमला भी किया। हमले के वक्त नईम अख्तर घर पर नहीं थे। गुजरात के नए सीएम की शपथ 5 अगस्त को हो सकती है। कल नाम का ऐलान हो सकता है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की कल बैठक होगी, उसमें नाम पर आखिरी फैसला होगा। 4 अगस्त को गुजरात विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी के गुजरात प्रभारी दिनेश शर्मा कल गुजरात जाएंगे, स्थानीय नेताओं से मिलेंगे और आला कमान को रिपोर्ट सौंपेंगे। ये प्रक्रिया है कि समय परीक्षण होता है, हर कार्यकर्ता हर नेता अपना विषय अपना पक्ष रखता है और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर परीक्षण उपरांत निर्णय लेता है। सूत्रों के मुताबिक नए सीएम के तौर पर विजय रूपानी, पुरुषोत्तम रूपाला और नितिन पटेल का नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 बैच के 172 आईएएस ऑफिसर्स से मुलाकात की, उन्हें प्रशासनिक कामकाज के टिप्स दिए। इन 172 अफसरों को केंद्र सरकार के 42 मंत्रालयों के 58 विभागों में बतौर असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया जाना है। पीएम मोदी ने सलाह दी कि वो खुद को जनता से जोड़ें और हालात और घटनाओं के प्रति संवेदनशील रहें। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी तकनीक के जरिए सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाएं। पीएम ने कहा कि जूनियर अधिकारी किसी भी आला अधिकारी के दबाव में काम न करें, सीनियर अधिकारियों के साथ मिलकर काम करें। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल कल राज्यसभा में पेश होगा। बिल पर 5.5 घंटे चर्चा होगी। हम सबसे बात किए हैं तो ये आम सहमति के साथ कल जीएसटी राज्यसभा में लिस्टेड है। हम उम्मीद करते हैं ये सर्वसहमति से पारित होगा।
जो कुछ इसमें अगर कोई संशोधन की आवश्यकता है, कोई और परिवर्तन की आवश्यकता है, तो सरकार उस पर पूरी तरीके से बात कर रही है और मुझे लगता है कि कल ये बिल राज्यसभा में पारित हो जाएगा। कांग्रेस ने समर्थन के संकेत दिए हैं। नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए हम सदैव तैयार हैं और जीएसटी बिल के लिए भी हम पहले से ही सहमत हैं। जीएसटी बिल लोकसभा में पिछले साल ही पास हो चुका है। ये संविधान संशोधन बिल है जिसे पास करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस ने सांसदों को सदन में रहने के लिए व्हिप जारी किया है। 26/11 हमले की साजिश में शामिल लश्कर के आतंकी अबू जुंदाल को औरंगाबाद आर्म्स केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने आज जुंदाल समेत 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 2 दोषियों को 14 साल और 3 दोषियों को 8-8 साल की सजा सुनाई गई है। सब एक्यूज लोगों को सेट ऑफ दिया है, यानी जितने दिन वो लोग अंदर रहे उसका उनको बेनिफिट मिलेगा, और लाइफ दिया है, उसके साथ सेपरेट सजा नहीं दी है, ये सजा घोषित किया। मई 2006 में महाराष्ट्र एटीएस ने औरंगाबाद के पास हाईवे से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए थे। इस मामले में 28 जुलाई को कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था। एएपी के सांसद भगवंत मान को आज रिहैब सेंटर भेजने की मांग उठी। बीजेपी सांसद महेश गिरी, एएपी से निलंबित सांसद हरिंदर खालसा और अकाली दल के सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कहा कि लोकसभा के खर्च पर भगवंत मान को नशे की लत छुड़वाने के लिए रिहैब सेंटर भेजा जाए। तो हमने कहा कि नशा मुक्त केंद्र में अगर संसद के खर्चे पर भी भगवंत मान जी को भेजा जाए तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कर देना चाहिए कि हमारे किसी मित्र की तकलीफ को दूर हो पाए तो होनी चाहिए। हरिंदर खालसा लोकसभा में भगवंत मान के बगल में बैठते हैं। उन्होंने स्पीकर से सीट बदलने की मांग की है। भगवंत मान पर संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप है। असम के ज्यादातर इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। 21 जिलों के 17 लाख लोग प्रभावित हैं। 3 दिनों में 10 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक कुल 31 मौत हो चुकी हैं। 463 राहत शिविरों में करीब 1.5 लाख लोग रहने को मजबूर हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क का 80% इलाका डूबा हुआ है। बाढ़ से अब तक 21 गैंडों समेत 310 जानवरों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से बचने के लिए हाथी, हिरण, बाघ और एक सींग वाले गैंडे सड़क पर आ गए हैं। अभी तक पार्क से 109 जानवरों को बचाया गया है। एक रॉयल बंगाल टाइगर का शव भी काजीरंगा नेशनल पार्क से मिला है। पश्चिम बंगाल का नाम बदल सकता है। राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नया नाम बांग्ला या बोंगो तय किया गया है, जबकि अंग्रेजी में इसे बंगाल कहा जाएगा। 26 अगस्त को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। विधानसभा से मंजूरी मिलने के बाद इसे केंद्र के पास भेजा जाएगा। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो नाम बदलने के पक्ष में हैं, लेकिन बोंगो नाम पर उन्हें एतराज है। मैं इस सिद्धांत को स्वागत करता हूँ। हम लोग बंगला में बोंगो बोलते हैं, उसको ना चुना जाए, क्योंकि हम म्यूजिशियन होने के नाते हमें भी मालूम है, सबको मालूम है, बोंगो जो है एक बड़ा फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इससे पहले राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंगो करने का प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा था, लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिली। उधम सिंह को शहीद का दर्जा देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। दिल्ली में जंतर मंतर से इंडिया गेट तक करीब 50,000 लोग मार्च में शामिल हुए और सरकार से मांग की कि उधम सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए। साथ ही संसद भवन और जलियांवाला बाग में उधम सिंह की मूर्ति लगवाई जाए। कंबोज समुदाय ने यह मांग भी की कि लंदन से उधम सिंह के कपड़े और पिस्तौल भी मंगवाए जाए। कैंडल मार्च कंबोज समुदाय ने आयोजित किया था, जिसमें एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। जंतर मंतर से डॉक्टर सुभाष चंद्रा, बाबा ब्रह्मदास जी डेरा, बाबा भूमन शाह और रोशन लाल कंबोज ने मार्च को रवाना किया। शहीद उधम सिंह ने शहीद का दर्जा तो बिल्कुल देना बड़ी छोटी जी गल है, जो इस देश का अपना फर्ज बनता है। बल्कि थानू एक गल मैं होर दसना चाहूँगा कि 3 साल पहले जब जी न्यूज ने भारत सरकार को पूछा तो उस वेले इवन सरदार भगत सिंह को भी शहीद का दर्जा नहीं दिता गया सी, वो भी पिछले 2 साल पहले दिता गया। मैं तुहानू विश्वास दिलाना कि शहीद का दर्जा ते मैं जिन्ना जल्दी हो सकेगा मेरा मैं इस राज्यसभा उठावांगा, कोशिश करांगा कि
ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।